Hello everyone and welcome back again to another fresh video of Ashu Talks. I hope you all are doing absolutely fine. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं e-skill India के तरफ से प्रोवाइड किए गए फ्री कोर्सेज के बारे में. तो दोस्तों e-skill India गवर्नमेंट के तरफ से दिया गया पोर्टल है, एजुकेशन पोर्टल है, जहां पे आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. ये कोर्सेज जो होते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं. अगर आप इसमें इनरोल कर लेते हैं एंड डाटा सीख लेते हैं, इसका जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उस पर अच्छे से ध्यान देके इसको सीख लेते हैं तो आपको जॉब्स मिल सकती है दोस्तों एंड आपकी स्किल इनहेंस होती है दोस्तों. तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए. माय गवर्नमेंट ने आपके लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने आपके लिए फ्री कोर्सेज लॉन्च किए हैं. तो मेरा कहना यही है कि आप इस कोर्सेज में पार्टिसिपेट कीजिए, इनरोल कीजिए इस कोर्सेज में, इसका कंटेंट सीखिए दोस्तों एंड जॉब के लिए आप रेडी हो जाइए दोस्तों. आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, सभी फील्ड के आपको कोर्सेज इस प्रोग्राम में देखने मिल जाते हैं दोस्तों. तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं माई स्किल इंडिया eskillindia.org, ये इस वेबसाइट का नाम है. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने ये वेब पेज अपियर हो जाएगा दोस्तों. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों. अब देख लेते हैं, आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, कौन से फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको सभी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए गए, कैसे आपको इन कोर्सेज में इनरोल करना है एंड कैसे आप फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हो दोस्तों. ये जो पोर्टल है यहाँ पे देख सकते हो स्किल इंडिया, NSDC, ई स्किल इंडिया, तो ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशन है इनके तरफ से कोलैबोरेशन किया गया है, इनके तरफ से फ्री कोर्सेज हमें प्रोवाइड किए गए यहाँ पे दोस्तों माय गवर्नमेंट की तरफ से. तो यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज देखने मिल जाते हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग का हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग का हो गया, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर. तो ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स है ये बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है आपके लिए. ये आपको दो लैंग्वेज में देखने मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है वैसे ही हिंदी लैंग्वेज में भी आपको डाटा एंट्री का कोर्स देखने मिल जाता है. तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है डाटा एंट्री का कोर्स, आप इसको सीख सकते हो एंड डाटा एंट्री की जॉब ले सकते हो दोस्तों. जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसकी स्किल कम है तो डाटा एंट्री की जॉब ले सकता है दोस्तों डाटा एंट्री का कोर्स सीख के. एंड भी बहुत सारे कोर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में भी ये कोर्स प्रोवाइड किया गया है डाटा एंट्री का, तो आप वहां से सीख सकते हो. फिर आ जाता है कंप्यूटर बेसिक्स, तो जिसको कंप्यूटर का बेसिक्स नहीं आता है, कंप्यूटर का बेसिक सीखने चाहता है तो वो इस कोर्स में इनरोल कर सकता है दोस्तों. और भी बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट कोर्सेज का भी आपको पोर्टल देखने मिल जाता है, सेक्शन देखने मिल जाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो सीखना चाहता है तो उसके लिए वेबिनार अरेंज किया गया है, तो वो भी देख सकते हो आप. बेसिक ऑफ कटिया, कटिया एक सॉफ्टवेयर है, जो मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर होंगे उनको कटिया सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा, लेकिन ये पेड है, हम पेड कोर्सेज के बारे में बात नहीं करने वाले, हम फ्री कोर्सेज के बारे में बात करने वाले. ये आ जाता है मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिटेक्टिंग कैंसर यूजिंग मशीन लर्निंग. तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए गए, आप स्क्रॉल कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको ईस्किल इंडिया का पोर्टल कैसे वर्क करता है वो आपको देखने मिल जाता है, जैसे मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ. अब देख लेते हैं कि ईस्किल इंडिया पोर्टल काम कैसे करता है. तो ईस्किल जो पोर्टल है दोस्तों वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको वेरियस कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. ये प्रोवाइड किए जाते हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे आप अपने मर्जी का चूज कर सकते हो कोर्स. आपको जो कोर्स सीखना है, जो टॉपिक के बारे में सीखना है, वहां पे आप चूज कर सकते हो कोर्स को एंड उसमें इनरोल करके सीख सकते हो दोस्तों. ये कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप स्पेसिफिक स्किल में स्ट्रांग बन सको, एक पर्टिकुलर चीज में आप स्ट्रांग बन सको ताकि आप उसकी जॉब ले सको एंड उस चीज में आप एक्सपर्ट कर लो, मास्टर कर लो दोस्तों. तो इस तरह से आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों ई स्किल इंडिया की तरफ से, माय गवर्नमेंट की तरफ से. अब आ जाते हैं वापस से ई लर्निंग एग्रीगेट पोर्टल्स बाय NSDC. इसके एडवांटेज आपको देखने मिल जाते हैं, डिजिटल होने वाले कोर्सेज, आपको कोई फीस पेड नहीं करनी है और ऑनलाइन कोर्सेज होने वाले, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाले इन कोर्सेज के एंड इजी एसेस होने वाला है एंड आपको इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज मिलने वाले, कि जो आपको इंडस्ट्री में काम आने वाले उस तरह के कोर्सेज मिलने वाले. तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो एंड जो स्किल सीखना चाहते हो सीख सकते हो. यहाँ पे हमको नॉलेज पार्टनर देखने मिल जाते हैं, तो IBM, इंस्टीट्यूट लर्निंग, मेंटर्स, TCS, आयोन, NSDC, इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, सिंपल लर्न, इस तरह से बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो नॉलेज पार्टनर होने वाले. तो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनके साथ कोलैब करके उनके तरफ से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप स्किलफुल बन जाओ दोस्तों एंड फ्री में सीख सको दोस्तों. एसोसिएशन भी देख सकते हो आप, अपग्रेड इंजीनियरिंग कोर्स, ब्रिटिश काउंसिल, IBM, इनके तरफ से आपको कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, कोर्सेज का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है. तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए दोस्तों, जहां पे आप कंटेंट सीख सकते हो, फ्री में कोर्सेज कर सकते हो,
एंड साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इनरोल करना है, रजिस्टर करना है। तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश, ये कोर्स देखने मिल जाता है। इसके मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ एंड इसमें आपको इनरोल करके भी दिखाना हो। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज अपियर हो जाता है। ये आईटी सेक्टर का कोर्स है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज होने वाले, हिंदी लैंग्वेज वाला भी कोर्स है, आप उस पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है टोटली, आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हो या हिंदी लैंग्वेज में। कोर्स की प्राइस टोटली फ्री होने वाली है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है कोर्स में एनरोल करने के लिए। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश, कंटेंट प्रोवाइडर आपको देखने मिल जाते हैं कि किसके तरफ से कंटेंट प्रोवाइड किया है, स्किल्स ट्रेनर के तरफ से एंड यूनिफॉर सोशल वेंचर्स की तरफ से। ये नॉलेज पार्टनर है एंड कंटेंट प्रोवाइडर है इस कोर्स के दोस्तों। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाता है, इस कोर्स का नाम देखने मिल जाता है, लैंग्वेज मिलने वाला है। और यहाँ पे 20 आवर्स का ड्यूरेशन का कोर्स होने वाला है, तो 20 आवर्स का कंटेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, लॉन्ग कोर्स होने वाला है, एकदम डिटेल नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है। यहाँ पे आपको प्राइस देखने मिल जाता है, टोटली फ्री होने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड ये फुल टाइम अवेलेबल है, आप कभी भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इस लोगों को ये कोर्स के बारे में शेयर कीजिए, इस वीडियो शेयर कीजिए, जिनको भी जरूरत होगी सीखने की, स्किल सेट अपनी इनहेंस करने की, उनको सबको शेयर कर दीजिए दोस्तों ये वीडियो। सर्टिफिकेट अवेलेबिलिटी फ्रॉम नॉलेज पार्टनर, तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा नॉलेज पार्टनर की तरफ से, जो कि यूनिफॉर सोशल वेंचर्स है, उनके तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे आपको ई स्किल इंडिया का, एनएसडीसी का, इनका लोगो देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी देखने मिल जाती है प्री क्वालिफिकेशन। अगर आप 9th 10th पास हो चुके हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो टोटली फ्री। अगर आप 9th 10th के आगे जितना भी सीख चुके हो तो भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो दोस्तों टोटली फ्री में। अब देख लेते हैं आपको सिंपली इनरोल कैसे करना है इस प्रोग्राम में। तो मैं सिंपली इनरोल नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपना साइन इन करना होगा। अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करना होगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया हूँ तो मुझे साइन अप करना होगा। सिंपली आपको नीचे साइन अप का ऑप्शन देखने मिल जाता है, साइन अप एज न्यू यूजर। तो मैं न्यू यूजर हूं तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं साइन अप फॉर न्यू यूजर पे क्लिक कर लेता हूँ, मेरे सामने कुछ इस तरह का वेब पेज आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आ जाता है, फॉर्म आ जाता है। वहां पे मुझे अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होंगे एंड इस प्लेटफॉर्म पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपको डालना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, स्टेट आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सको। जैसे कि आप देख सकते हो मैं सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर दिया हूँ, सभी इन्फॉर्मेशन डाल दिया हूँ, तो अब मैं रजिस्टर हो चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं सिंपली इनरोल नाउ पे क्लिक करता हूँ उस कोर्स पे, तो यू विल नाउ बी रीडायरेक्ट टू नॉलेज पार्टनर पोर्टल। तो जहां पे मेरा कोर्स का कंटेंट है वहां पे मैं रीडायरेक्ट कर दिया जाऊंगा। तो मुझे सिंपली ओके पे क्लिक करना है। अब इस तरह से मेरा वेब पेज अपियर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे मुझे कोर्स की सभी डिटेल्स देखने मिल जाती है, जहां पे आपको कंटेंट देखने मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स का। स्किल्स ट्रेनर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है ये कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश। तो यहाँ पे आपके मॉड्यूल देखने मिल जाते हैं, जहां पे आप देख सकते हो मॉड्यूल, यहाँ पे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, इस तरह से 5 मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं दोस्तों। यानी यहाँ पे आपको देखना है ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। सबसे लास्ट में आपकी असेसमेंट होने वाली है, असेसमेंट मतलब आपकी टेस्ट होने वाली, क्विज होने वाली है। जो भी आपको इस मॉड्यूल्स में पढ़ाया उसका कुछ पार्ट आपको पूछा जाएगा इस असेसमेंट में दोस्तों। एंड अगर आप असेसमेंट में अच्छा स्कोर कर लेते हो, 50% से ज्यादा स्कोर कर लेते हो, 50% ज्यादा मार्क्स ला लेते हो, तो आप असेसमेंट कंप्लीट कर देते हो एंड आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये नॉलेज भी मिल जाएगा दोस्तों टोटली फ्री में। तो इस तरह से एक कोर्स होने वाला है, इस तरह से आपके सभी कोर्स होने वाले हैं। आप कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो टोटली फ्री में, साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए एंड इस कोर्स में, इस कोर्सेस में एनरोल करने के लिए बताइए। थैंक यू।